हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्प्रिंकलर्स बेकरी। आई एम सोमा हियर। अरे बिना बनाने वाले हैं इंटरेस्टिंग सा रेसिपी, दैट इज स्वीट रेसिपी, मोतीचूर के लड्डू विदाउट एनी झाझरी। हम लोग ऐसा कुछ नहीं चाहिए, वो झटपट बना लेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, रेसिपी में जाने से पहले, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड राइट हैंड साइड से जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, तो मेरा अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। ओके, तो हम लोग चलते हैं रेसिपी की तरफ। उसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने 1 कप चना दाल जो है वो मैंने भिगा के रख दिया है। ओके, तो अच्छे से वो भीग चुका है, तो हम लोग उसका पानी पूरा ड्रेन आउट कर लिया है, ठीक है। जितना कम पानी होगा उतना कम पानी से हम लोग इसको ग्राइंड करना कोशिश करना है, ठीक है। तो हम लोग का लड्डू बहुत अच्छा बनेगा और टेक्सचर भी बहुत अच्छा आएगा। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, ये चना दाल को ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, ब्लेंड, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम लोग ने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, देखिए टेक्सचर। ओके, तो अच्छा थोड़ा फेंट लेंगे इसको, ठीक है, अच्छे से इसको फेंट लेंगे, तो हम लोग का जो पकौड़ी होगा बहुत अच्छा बनने वाला है, सॉफ्ट सॉफ्ट। अच्छे से फेंटना हो गया, अभी जैसे पकौड़ी करते हैं उसे देखे हम लोग पकौड़ी फ्राई कर लेंगे, ठीक है। पहले फ्राई करने के पहले तेल थोड़ा सा गर्म होना बाकी है, और पकौड़ी देते हैं वैसा दे देके, ठीक है, लाइट कलर हो जाए हम लोग उसको परत देंगे। देखिए बहन, जैसे करके हम लोग फ्राई कर लेंगे, आपको थोड़ा डार्क पसंद है तो आप डार्क कर सकते हो, ठीक है। मीडियम फ्लेम में रख के अच्छा से फ्राई कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी गए बैचेस में फ्राई कर लेते हैं। सो अभी क्या करेंगे, ठंडा होने के लिए, ठंडा थोड़ा हो जाए फिर तोड़ तोड़ के ठंडा कर लेंगे इसको, ऐसा देखिए गर्म धुआं में कर रहा है, ठंडा ठंडा कर लेंगे फिर इसको हम लोग ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। देखिए इसे ठंडा पहले कर लेते हैं, थोड़ा फैन के नीचे रख दीजिए, ठंडा हो जाएगा, तोड़ के दीजिए तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, फिर हम लोग इसको ग्राइंड कर लेंगे। ओके, ग्राइंड कर लिया है, थोड़ा ऐसा पूरा पूरा हम लोग को एकदम नहीं ग्राइंड करना है, देखिए थोड़ा दरदरा रहेगा तो मोतीचूर के लड्डू का टेक्स्चर आएगा। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, शुगर सिरप बना लेते हैं। जितना हम लोग ने चना दाल लिया है उतना हम लोग को लेना है शुगर, तो मैंने लिया है 1 कप चना दाल, तो मैं ले रही हूँ 1 कप शुगर। ओके, उसमें हम देंगे 1/2 कप पानी, जल्दी से काम हो जाएगा, isn't it? ठीक है, अभी इसको बॉइलिंग कर लेते हैं। हम लोग को पूरा यहाँ पे एक तार ऐसा कुछ नहीं चाहिए, अच्छा स्टिकी सा एक हम लोग को सिरप चाहिए, ठीक है, अच्छा से डिजॉल्व हो जाए। लो टू मीडियम में रख के अच्छे से इसको बॉईल कर लेते हैं। अगर देखिए सिरप रेडी हो गया है, इसमें हम दे देंगे जो वाटरमेलन सीड्स होता है वो हम लोग इसमें दे देंगे, वो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, दुकान में जैसा देते हैं जैसा आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स चॉप दे रही हूँ, जैसे कि काजू, जो कैशू नट्स होता है, और आलमंड्स, रफली चॉप किया मैंने, बहुत अच्छे से फ्लेवर आता है उसमें। थोड़ा सा केसर के सैलेड स्टैंड दे रही हूँ मैं इसमें, आप यहाँ पे फूड कलर भी दे सकते हो। इसमें हम डाल देते हैं हमने जो पाउडर किया था पकौड़ी को, लो फ्लेम में अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अभी गैस को हम लोग ऑफ कर देंगे, गैस ऑफ करने के बाद हम लोग इसमें घी डालेंगे, मैं फिर 1 टीस्पून दे रही हूँ, अच्छे से मिक्स करेंगे। ठंडा होने के बाद हम लोग इसमें इसको लड्डू का शेप देंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है घी देने से। ओके,
गैस ऑफ करने के बाद ही हम लोग को घी डालना है। ओके, हम लोग का मिक्सर वार्म हो गया है, हम लोग पकड़ सकते हैं। वैसे ही हम लोग ने उसको बनाना है, ठीक है। तो हम लोग उसको अच्छा से उसको शेप दे सकते हैं, ठीक है। ठंडा हो जाने से हम लोग को उसको शेप देने में नहीं होगा, इसलिए हम लोग पूरा उसको वार्म जब भी रहेगा तभी हम लोग उसको शेप देना है। अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है फ्रेंड्स, आप लोग भी ऐसा ट्राई करिएगा। ओके, देखिए कितना अच्छा सा शेप आया है। सो फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा लड्डू बना है, इतना सॉफ्ट है, जस्ट माउथ मेल्टिंग। मैं एक आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, इतना सॉफ्ट लड्डू बना है, देखिए एकदम माउथ मेल्टिंग लड्डू है, सो सॉफ्ट। सो फ्रेंड्स आप भी बनाइए, फैमिली मेम्बर्स को खिलाइए। थैंक यू वॉचिंग दिस यम्मी रेसिपी, सी इन द नेक्स्ट रेसिपी। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।